प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एम आर एस स्टडी में तो डियर यहाँ पे आज की सेशंस में हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं सर्वेइंग में तो डियर सर्वेइंग में यहाँ पे हम लोग जो है दो पार्ट आपने देखा है ना जिसमें आप लोगों ने समझा कि सर्वे क्या होता है कितने तरीके के होते हैं तो आज के इस सेशन से में हम लोग जो है चर्चा करेंगे आज का जो वीडियोस होने वाला है ये अंतिम वीडियोस होने वाली है और ये एक बेनिफिशियल आपके लिए ही होने वाली है और आज के इस सर्वेइंग सब्जेक्ट के टॉपिक में हम लोग कर्व्स कर्ब्स फील्ड एस्ट्रोनॉमी मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम फ़ोटोग्रामेट्री एंड थ्योरी ऑफ एरर इतने टॉपिक्स जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है कंटूरिंग से स्टार्ट करते हैं तो सिविल बूस्टर बुक का जो है कंप्लीट डिस्कशन हम लोग जो है यहाँ पे करने वाले हैं क्योंकि आपके लिए जो है बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप सिविल बूस्टर बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस बुक को जो है परचेज़ कर सकते हैं कंप्लीट डिस्कशंस होने वाली है कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट होता है जैसे एस हो गया एन आई हो गया गेट हो गया तो कुछ क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं तो वो उसके लिए ये क्विक रिविजन के लिए आपका वन ऑफ द बेस्ट बुक आप इसे कर सकते हो तो एक पूरा कम्प्लीट डिस्कसन जो है यहाँ पर करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटूरिंग से बात करें सबसे पहले कंटूर की तो कंटूर जो है एक इमेजनरी लाइन होता है पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन अर्थ सरफेस अर्थ सरफेस पे इक्वल एलिवेशन से पास करने वाला जो इमेजनरी लाइन होता है उसी को क्या कहते है? हैं कंटूर कहते हैं कंटूर इंटरवल ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कन्जिक्यूटि कंटूर उसको जो है कंटूर इंटरवल कहते हैं कंटूर इंटरवल जो है वो डिजायरेबल उसका कांस्टेंट कंटूर इंटरवल होता है थ्रू मैप जनरली वन टू फिफ्टीन मीटर होता है और कंटूर इंटरवल डिपेंड करता है आपका स्केल ऑफ मैप के ऊपर नेचर ऑफ कंट्री के ऊपर पर्पस ऑफ मैप फॉर मोर डिटेल्स मोर डिटेल्स टाइम ऑफ टाइम एंड फंड्स इसके ऊपर डिपेंड करता है इसके अलावा फ्लैटनेस ऑफ ग्राउंड के ऊपर भी और नंबर ऑफ सेंटीमीटर इन पर किलोमीटर क्या है उसके आधार पे हमारा मतलब फ्लैटनेस कितना है ग्राउंड का उसके ऊपर जो है कंटूर इंटरवल क्या होता है डिपेंड करता है किसमें कैसेट डिपेंड करता है तो अगर हमारा स्केल ऑफ़ मैप है तो उसके इन्वर्सली डिपेंड करता है नेचर ऑफ़ कंट्री पे आपका डिपेंड करता है इसके अलावा अगर बात किया जाए टाइम एंड फंड की तो उसके साथ भी जो है इन्वर्सली डिपेंड करता है कंटूर इंटरवल जो है इनवर्सली डिपेंड करता है ऑन फ्लैटनेस ऑफ ग्राउंड के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर के बारे में बात किया जाए तो मेजरली आपका पांच जो है कंटू पांच मेनली जो है कंटूर के कैरेक्ट्रिस्टिक्स है लेकिन हम आपको यहाँ पे टोटल सात कंटूर के कैरेक्ट्रिस्टिक्स बताएंगे लेकिन पाँच इसमें से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे सातों ज़रूरी है ठीक है लेकिन पाँच जब बहुत ज़्यादा मतलब रिपीटेड मोड में क्वेश्चंस आपको जो है उन पाँच से क्वेश्चन पूछता है जिसमें सबसे पहला है आपका कि जीरो मीटर कंटूर लाइन रिप्रेजेंट द क्विस्टल लाइन वेन नो वैल्यू इज रिप्रजेंटेड इट इंडिकेट्स अ फ्लैट ट्रेन दूसरा है इक्वली सेप्ड जो इक्वली स्पेस्ड कंटूरस है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म स्लोप को तीसरा वाटर सेड और रीज लाइन कंटूर क्रॉस द वैली कंटूर एट राइट एंगल जनरली जो कंटूर्स होते हैं वो विजुअल नहीं होता है आपका ग्राउंड पे एक्सेप्ट इन केस ऑफ शोर लाइन शोर लाइन के अलावा और कहीं पे भी ये विजुअल नहीं होता है जो कंटूर्स होते हैं है ना अगर दो कंटूर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओनली इन केस ऑफ ओवर हैंगिंग क्लिफ़ के केस में और केव पेनिट्रेटिंग हील साइड के केस में जो है दो कंटूरस एक दूसरे को क्या करता है इंटरसेक्ट करता है जो डायरेक्शन होता है स्टीपेस्ट स्लोप का एलॉन्ग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कंटूर्स होता है है ना जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आपका स्टीपेस्ट स्लोप का अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कंटूरस अगर दो कंटूर लाइंस है ना अगर दो कंटूर लाइंस हैविंग सेम एलिवेशन कैन नॉट यूनिट एंड कंटिन्यू एज वंस है ना मतलब वो यूनिट नहीं हो सकता है और एक जैसा कंटिन्यू नहीं हो सकता है ठीक है तो ये आप फिगर यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका जो है कंटूरिंग uh, का वैल्यू जो है आपको एक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफ के तौर पे। अ सेट ऑफ क्लोज कंटूर जो क्लोज कंटूर का जो सेट होता है विद हायर फिगर वैल्यू इनसाइड एंड लोअर फिगर आउटसाइड रिप्रेजेंट अ हिल वाइल विद दोज हैविंग लोअर फिगर्स इन साइड और अपर आ, मतलब अपर या हायर फिगर आउट साइड वो रिप्रेजेंट करता है लेक्स या डिप्रेशंस को अप्लीकेशन अगर बात किया जाए तो डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरविजिबिलिटी रूट लोकेशन ड्रेनेज एरिया साइट ऑफ स्ट्रक्चर कैपेसिटी ऑफ रिज़र्वायर अर्थवर्क एस्टीमेट्स ये सभी के लिए जो है आपका यूज किया जाता है कंटूर्स का अ वेरी स्टीप स्लोप इज स्क्रैप एंड हाई स्क्रैप इज नोन एज क्रैग मेथड ऑफ कंटूरिंग अगर बात किया जाए तो जो डायरेक्ट मेथड्स होते हैं जो डायरेक्ट मेथड्स होते हैं और इनडायरेक्ट मेथड होते हैं तो डायरेक्ट मेथड में आपका वेन सर्वे एरिया इज़ अ स्मॉल जब सर्वे एरिया जो है स्मॉल होता है एंड सफिशेंट टाइम अवेलेबल स्लो मेथड ये होता है फॉर लार्ज स्केल मैप पे वेन ग्राउंड सरफेस इज़ रेगुलर और ये ग्रेटर एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड होता है इस कारण से इनडायरेक्ट मेथड अगर बात किया जाए तो फॉर इंजीनियरिंग वर्क वी यूज दिस जनरली मतलब इनडायरेक्ट मेथड को यूज हम लोग जो जनरली करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में वी ड्रॉ द कंटूर्स ऑफ एनी रिड्यूज लेवल यूजिंग इंटरपोलेशन विद हेल्प ऑफ सम फिक्स्ड पॉइंट फॉलोइंग इंटर इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं कई सारे इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं जिसमें सबसे पहला आता है बाई स्क्वायर मेथड यूज फॉर अ स्मॉल एरिया एंड ऑल्सो कोल्ड अस्पोट लेवलिंग बाय क्रॉस सेक्शन मेथड ये भी जो है इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं ये यूज किया जाता है फॉर रेलवे लाइन रोड लाइन कनाल अलाइनमेंट वगैरह के लिए बाय टैचियोमीटर रेडियल लाइन मेथड ये ही एरिया में यूज किए जाते हैं इंटरपोलेशन कई सारे तरीकएँ होती हैं जिसकी मदद से इंटरपोलेशन जो है किया जाता है बाय एस्टिमेशन मेथड बाय ग्राफिकल मेथड बाय अरिथमेटिकल मेथड जिसको हम लोग जो है बाई कम्प्यूटेशन कंप्यूटे कंप्यूसन मेथड भी कहते हैं कंप्यूटर और ये जो अरिथमेटिकल मेथड होता है जो कि कंप्यूटेशन मेथड होता है ये बेस्ट मेथड होता है और मोर एक्यूरेट मेथड भी आपका होता है अगला जो चैप्टर से स्टार्ट होता है कर्व्स टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व तो तीन तरीके के जनरली होते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व रिवर्स कर्व और कंपाउंड कर्व ओके जो सिंपल सर्कुलर कर्व होता है उसमें आपका जो रेडियस होता है वो सेम होता है थ्रू आउट द कर्व थ्रू आउट द कर्व सेम होता है वही अगर बात किया जाए रिवर्स कर्व की तो रिवर्स कर्व जो है इसमें कॉमन टेंजेंट होता है दो कर्व का है ना और जो कंपाउंड कर्व होता है हर पॉइंट पे जो रेडियस होती हैं कर्व की वो क्या होता है चेंज होते जाता है तो उसे जो है कंपाउंड कर्व कहते हैं और इसमें भी कॉमन टेंजेंट जो है हमें देखने को मिलता है वर्टिक हॉरिजॉन्टल कर्व अगर बात किया जाए तो हॉरिजॉन्टल कर्व जो है वो कर्व होता है इन प्लेन टू प्रोवाइड चेंज इन डायरेक्शन टू सेंट्रल लाइन ऑफ रोड इट इज़ प्रोवाइडेड एट द पॉइंट वेयर टू स्ट्रेट लाइंस दो स्ट्रेट लाइन जो है आपका इंटरसेक्ट करता है एट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे तो उस कंडीशन में जनरली सर्कुलर इन नेचर जो है ये आपका होता है वर्टिकल कर्व्स ड्यू टू चेंज इन ग्रेड इन वर्टिकल अलाइनमेंट वर्टिकल अलाइनमेंट के ग्रेड में चेंज होने के कारण से जो कर्व इंट्रोड्यूस किया जाता है एट द इंटरसेक्शन ऑफ डिफरेंट ग्रेड है ना डिफरेंट ग्रेड के इंटरसेक्शन पे और स्मूथन आउट किया जाता है वर्टिकल प्रोफाइल के साथ और ताकि जो एज ऑफ चेंज इन ग्रेड एंट है आपका फास्ट मूविंग व्हीकल का उसे प्रॉपर किया जा सके मतलब कोई भी व्हीकल चाहे स्लो मूविंग हो चाहे फास्ट मूविंग हो सभी को एक प्रॉपर स्मूथनेस मिल सके तो उस कंडीशन में हम लोग जो है वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं और वो जो कर्व होता है वो वर्टिकल कर्व होता है ये जनरली पैराबोलिक इन नेचर होता है कैसा होता है पैराबोलिक इन नेचर होता है रिवर्स कर्व रिवर्स कर्व जो है कॉम्बिनेशन होता है दो सिंपल सर्कुलर कर्व का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में और वो ज्वाइन करता है एक कॉमन टेंजेंट के साथ ये जो रिवर्स कर्व है ये यूज़ किया जाता है जनरली हिली ट्रेन में मैंने हिली एरियाज में और रेलवे साइड्स एज क्रॉसिंग क्रॉस ओवर रेलवे साइडिंग में क्रॉस ओवर के लिए जो है जनरली रिवर्स कर्व का यूज़ किया जाता है जो रिवर्स कर्व्स होते हैं आर यूज वेन द टू स्ट्रेट आर पैरेलल और देयर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज टू स्मॉल, है ना वो पैरेलल होता है या फिर उसका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व वेन व्हीकल ट्रेवलिंग ऑन स्ट्रेट रोड जब व्हीकल जो है वो ट्रेवल करता है ऑन स्ट्रेट रोड इनफाइनाइट रेडियस इंटर्स अ कर्व ऑफ इनफाइनाइट रेडियस देन इट इज सडनली सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच काउज सॉक एंड स्वे फॉर अवॉइडिंग दिस इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड ट्रांजिशन कर एट द बिगिनिंग ऑफ सर्कुलर कर हैविंग अ रेडियस इक्वल टू इनफाइनाइट एट द एंड ऑफ अस्ट्रेट इंड एंड ग्रेजुअली रिड्यूस द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व वेयर कर्व इज बिगिन ये क्या होता है कि जो ट्रांजिशन uh, कर्व होता है ये कर्व uh, जो है हम लोग उस समय प्रोवाइड करते हैं जब हम लोगों को अस्ट्रेट रोड से सर्कुलर रोड में इंटर करना रहता है तो डायरेक्ट अगर हम लोग स्ट्रेट रोड से सर्कुलर रोड में जाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है हमारा जो व्हीकल है ओवर टर्न कर सकता है है ना तो उसको एवॉयड करने के लिए जो है हम लोग ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करते हैं ओके तो यहाँ पे आपका जो है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व जो है आपका दिया गया है ये फिगर आप देख सकते हो ये जो है एक T1 हो गया और ये आपका T2 हो गया T1 जो है ये मान लो बैक टेंजेंट है और ये फोर टेंजेंट है तो मान लो कि यहाँ से व्हीकल आ रहा है तो ये स्ट्रेट जा रहा है तो यहाँ पे अब सर्कुलर है तो यहाँ पे अगर मान लो कि ये डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगा तो अगर यहाँ पे मिल रहा है, है ना तो यहाँ से मुड़ना थोड़ा मुश्किल है आसान नहीं है कि गाड़ी नहीं मुड़ेगा मुड़ेगा लेकिन थोड़ा मुश्किल है तो इसी को स्मूथ बनाने के लिए ताकि व्हीकल आसानी से जो है मुड़ सके और इस रोड से इस रोड पे आ सके इसके लिए जो है सर्कुलर कर्व जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे आपका ये जो है पॉइंट ऑफ कर्वेचर है और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये जो है आपका एक्सटर्नल डिस्टेंस हो गया यहाँ पे ये जो डिफ्लेक्शन है इसको डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा कहते हैं ये टेंजेंट का डिस्टेंस है ये वोटेक्स है है ना यहाँ से यहाँ तक मिड ऑर्डिनेट ये लॉन्ग कॉर्ड हो गया है ना ये यहाँ पे एंगल जो है डेल्टा बाई टू आपका हो गया क्योंकि डिफ्लेक्शन जो है डेल्टा आपका हो रहा है ये बैक टेंजेंट और यहाँ पे फोर टेंजेंट और इसका रेडियस आर हो जाएगा ओके डिग्री ऑफ कर्व इट इज द एंगल सब्सटेंडेड एट द सेंटर बाई एन आर्क और कॉर्ड ऑफ स्पेसिफाइड लेंथ जो कॉर्ड डिफिनेशंस होते हैं वो यूज किए जाते हैं इन केस ऑफ रो रेलवेज एंड आर्क डिफिनेशन जो है वो यूज किए जाता है इन केस ऑफ हाईवे आर्क डिफिनेशन थर्टी आर्क और ट्वेंटी आर्क रेडियस का वैल्यू होता है आर इज इक्वल टू थर्टी आर्क में थर्टी मीटर आर्क में सत्रह सौ उन्नीस डी और बीस मीटर आर्क में ग्यारह सौ छियालीस बाई डी आर का वैल्यू वही कॉड डिफिनेशंस अगर तीस मीटर कॉड है तो आर इज इक्वल टू पंद्रह बटा साइन डी बाई टू यानी सत्रह सौ उन्नीस वटा डी और ट्वेंटी मीटर कॉड में आर इज इक्वल टू तो, टेन बाई साइन डी बाई टू इज इक्वल टू ग्यारह सौ छियालीस बाई डी ग्यारह सौ छियालीस बाई डी को राउंड बाउट हम लोग जो है ग्यारह सौ पचास भी जो है लेकर चलते हैं और अगर एगारह सौ पचास अगर लेकर चलते हैं तो वो तीस पॉइंट फाइव मीटर लगभग बन जाता है ओके एलिमेंट ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व लेंथ ऑफ कर्व लेंथ ऑफ ए सी बी एलिजिकल टू टू पाई आर बाई थ्री सिक्सटी टू डेल्टा टेंजेंट लेंथ और टेंजेंट डिस्टेंस टी इज इक्वल टू आर टेन डेल्टा बाई टू चेंज ऑफ टेंजेंट पॉइंट चेनेज ऑफ ए इज इक्वल टू चेनेज ऑफ वर्टेक्स माइनस टेंजेंट डिस्टेंस चेनेज ऑफ बी इज इक्वल टू चेनेज ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ कर चेनेज ऑफ बी नॉट इक्वल टू चेनेज ऑफ वर्टिकल वर्ट एक्स प्लस टेंजेंट डिस्टेंस लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड जो लेंथ होता है लॉन्ग कॉर्ड का वो होता है आपका एल इज इक्वल टू टू आर साइन डेल्टा बाई टू आपका होता है एक्सटर्नल डिस्टेंस और अपेक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू आर इन टू सेक से डेल्टा बाई टू माइनस वन मिड ऑर्डिनेट एम इज इक्वल टू आर इन वन माइनस कॉस डेल्टा बाई टू इज इक्वल टू आर वर्स डेल्टा बाई टू मेथड ऑफ सेटिंग आउट द कर्व्स टेप मेथड टेप एंड थियोडोलाइट मेथड टैचियोमेट्रिक मेथड टू थियोडोलाइट मेथड टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट इन हॉरिजोंटल कर्व्स टू अवॉइड द इनकनविनियंस टू स्लो मूविंग

बर्नॉल इज लेमिस्केट यह एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है जो कि जनरली यूज किया जाता है वेन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज वेरी लार्ज जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है उस कंडीशन में इट इज ईजली टू सेट आउट इन फील्ड इसको जो है जो बर्नॉल लेमनिस्केट कर्व होता है इसको आसानी से सेट आउट किया जाता है एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलेशन जो है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व है यहाँ पे ये यह जो कर्व ऐसे गया इसको जो है क्यूबिक पैराबोला कहते हैं यहाँ से ऐसे गया ऐसे इसको साइन कर्व कहते हैं ठीक है ये गया 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 ऐसे 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 गया ये स्पाइरल कर्व हो गया और ये इस तरीके से घूम कर और फिर यहीं पे आ गया इनिशियल पोजिशन पे तो वो बर्नॉलिज लेमिस्केट कर्व आपका होता है जो बर्नॉलिज लेमिस्केट कर्व होता है वो नेवल होता है आपका रेलवे में बट हाईवे में ये अलाउ किया जाता है कर्व क्लोजली रिजेंबल्स होता है क्लोथोआइडल फोर पोलर एंगल अप टू फाइव डिग्री और जो बर्नॉलिज लेमस्केट होते हैं जो कर्व होता है ट्रांजिशन कर्व का जो स्पेशल टाइप्स है ये साइमेट्रिकल होता है सो इट इज़ इवेंट बी यूज वेन कर्व इज ट्रांजिशनल थ्रू आउट सर्कुलर कर्व बिटवीन द टू ट्रांजिशन कर्व दो तो, ट्रांजिशन कर्व के बीच में जो है इसको यूज किया जाता मतलब दो पार्ट में आपका ये बन जाता है है ना आप देख सकते हो एक ये, ये बना और एक इस तरीके से बना तो दो बन जाता है अगला चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे फील्ड एस्ट्रोनॉमी फील्ड एस्ट्रोनॉमी में सबसे पहला पॉइंट है इन ट्वेंटी फर्स्ट एंड ट्वेंटी सेकेंड सप्तम्बर सन क्रॉस द इक्वेटर सन जो है क्रॉस कर जाता है इक्वेटर को फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इसको जो है फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा यानी एटू नल इक्विनोक्स कहा जाता है एटू टू नल इक्विनोक्स कहा जाता है ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च सन क्रॉस इक्वेटर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इट इज कॉल्ड फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस ऑन दिस डे नाइट इज इक्वल ट्वेंटी फर्स्ट मार्च डे एंड नाइट आर इक्वल ऑल्सो नोन एज वर्नल इक्विनोक्स इसको जो वर्नल है वर्नल इक्विनोक्स कहते हैं द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेन नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर इज कोल्ड लैटिट्यूड जो एंगुलर डिस्टेंस होता है ऑफ एनी प्लेन नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर इज कोल्ड लैटीट्यूड थीटा तो सी प्लस थीटा इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री द मेजर्ड एंगल जो मेजर्ड एंगल होता है बिटवीन पोल ए पोल टू जीनिथ पॉइंट फॉर एनी प्लेस इज कोल्ड को लैटिट्यूड यानी सी यानी सी प्लस टीटा यानी को लैटिट्यूड प्लस लैटिट्यूड इक्वल टू नाइंटी डिग्री द एंगल बिटवीन मिरीडियन ऑफ प्लेस फ्रॉम फिक्स्ड मिरीडियन इज कोल्ड लॉन्गिट्यूड द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजोन मेजर्ड ऑन वर्टिकल सर्कुलर पासिंग थ्रू बॉडी इज कोल्ड एल्टीट्यूड अल्फ़ा अल्फा प्लस जेड इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री जेड इज द को को एल्टीट्यूड द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम जिनी इज कोल्ड को एल्टीट्यूड और जिनी डिस्टेंस को एल्टीट्यूड को जिन्ह डिस्टेंस भी कहते हैं द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम प्लेन ऑफ सेलेक्वेटर मेजर्ड एलोंग डिली डिक्लीनेशन सर्कल इज कॉल्ड डिक्लीनेशन डेल्टा डेल्टा प्लस पी इज कॉल टू नाइन्टी डिग्री पी इज कोडिक्लीनेशन ये एंगुलर डिस्टेंस होता है ऑफ हेवेनली बॉडी फॉर्म पोल उसको जो है कोडिक्लीनेशन कहते हैं जो एंगुलर डिस्टेंस होता है मेजर्ड किया जाता है इस्टवर्ड फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस इज कोल्ड राइट एसेंशन यानी आर एंगल बिटवीन ऑब्जर्वर्स मिरीडियन एंड डिक्लीनेशन सर्कल पासिंग थ्रू द बॉडी इज कोल्ड आवर एंगल एच इट इज मेजर्ड फ्रॉम साउथ इन वेस्ट वर्ड डायरेक्शन साउथ इन वेस्ट वर्ड डायरेक्शन टेरेस्ट्रियल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सिस ऑफ अर्थ ज्वाइन जो एक्सिस ज्वाइन करता है नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ को उसको जो है एक्सिस ऑफ अर्थ कहते हैं इक्वेटर इक्वेटर जो है ये ग्रेट सर्कल परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड इक्वेटर लैटिट्यूड वर्टिकल एंगल एवव और बिलो इक्वेटर लॉन्गिट्यूड हॉरिजोंटल एंगल बिटवीन ग्रेट सर्कल पासिंग थ्रू प्लेस एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन मिरीडियन अ ग्रेट सर्कल हुज़ प्लेन पासिस थ्रू एक्सिस ऑफ अर्थ उसको जो मेरिडियन कहते हैं प्राइम मेरिडियन और स्टैंडर्ड मेरिडियन इज मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच प्लेन ऑफ पैरल ऑफ़ लैटिट्यूड पैरल ऑफ़ लैटिट्यूड जो है ये पास करता है थ्रू पॉइंट इज़ अ स्मॉल सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरल टू इक्वेटर वन नाटिकल माइल इज इक्वल टू वन पॉइंट एट टू किलोमीटर सिलिस्टियल लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड सिस्टम सिलिस्टियल लॉन्गीट्यूड जो होता है वो हॉरिजोंटल एंगल होता है जो कि मेजर किया जाता है फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस टू ईस्ट सेलिस्टियल लैटिट्यूड जो है ये वर्टिकल एंगल होता है जो कि मेजर किया जाता है एवब और विलो आर्क ऑफ इक्लिप्टिक टाइम ये इंटरवल लैप्स जो होता है बिटवीन टू इंस्टेंट वेरियस टाइम मेजरमेंट्स यूज्ड बाय एस्ट्रोनर्स आर साइड्रियल टाइम साइड्रियल टाइम ये वो टाइम होता है आवर एंगल और फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस आर मेजर्ड वेस्ट एनी इंस्टेंट मेजर्ड अकॉर्डिंग टू पोजिशनल स्टार्स इन स्काई स्काई में जो पोजिशनल स्टार्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये साइड साइडरियल टाइम जो है मेजर किया जाता है एल एस टी इज इक्वल टू राइ राइट एसेंसन आर ऑफ़ ऑब्जर्वर मिरीडियन इज इक्वल टू आर ऑफ़ स्टार प्लस एच ए ऑफ स्टार जो इंटरवल ऑफ टाइम होता है विद इलेप्स सिंस अपर ट्रांजिट ऑफ फर्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस होता है ओवर ऑब्ज़र्वर मिरीडियन उसको जो है हम लोग लोकल साइड रियल टाइम ऑफ प्लेस करते हैं यानी एल एस टी कहते हैं मीन सोलर डे ये इंटरवल ऑफ टाइम होता है बिटवीन टू सक्सेसिव लोअर ट्रांजिट ऑफ मीन सन के जो आवर एंगल होता है ऑफ मीन सन वो रिकॉर्ड किया जाता है वेस्टवर्ड फ्रॉम जीरो टू तो ट्वेंटी फोर आवर्स उसको जो लोकल मीन टाइम कहते हैं जो इंस्टेंट होता है बेन मीन सन क्रॉस द लोकल मरीडियन एट इट्स अपर ट्रांजिट इज नोन एज लोकल मीन नून अपरेंट सोलर टाइम ये इंटरवल होता है टाइम का विच लैपसेज बिटवीन टू सक्सेसिव लोअर ट्रांसजिट ऑफ सेंटर ऑफ सन ओवर द मेरीडियन ऑफ प्लेस उसको जो apparent solar day है अपरेंट सोलर डे कहते हैं जो मेजरमेंट होता है टाइम बेस्ड ऑन डेली अपरेंट मोशंस ऑफ द सन राउंड द अर्थ वो आपका होता है उसे ही जो हम लोग अपरेंट सोलर टाइम कहते हैं ओके स्टैंडर्ड टाइम इंडियन स्टैंडर्ड मिरीडियन जो कि पास करता है इलाहाबाद से इज एट फाइव आवर्स थर्टी मिनट्स ईस्ट ऑफ ग्रीनविच जो स्टैंडर्ड टाइम होता है ये टाइम ऑफ वॉच होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ कंट्री इज जनरली सिलेक्टेड सच डेट इट लाइज एट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आर्स फ्रॉम ग्रीनविच आई एस टी एटी टू डिग्री थर्टी मिनट ईस्ट स्टैंडर्ड टाइम यानी एस टी इज इक्वल टू एल एम टी प्लस माइनस डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कन्वर्टेड टू टाइम इक्वेशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू अपरेंट सोलर टाइम माइनस मीन सोलर टाइम कन्वर्जन ऑफ टाइम लॉन्गिट्यूड एंड टाइम 360 डिग्री 24 घंटा 15 डिग्री एक घंटा एक डिग्री चार मिनट पंद्रह सेकेंड एक मिनट एक मिनट चार सेकेंड और पंद्रह सेकेंड एक सेकेंड के बराबर आपका होता है तो लोकल एपरेंट टाइम इज इक्वल टू लोकल मीन टाइम प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम साइड रियल टाइम मीन सोलर टाइम प्लस एक्सलरेसन यानी मीन सोलर टाइम प्लस नाइन पॉइंट एट सी पर आवर ऑफ गिव एन मीन सोलर टाइम मीन सोलर टाइम साइड रियल टाइम माइनस रिटाडेशन साइड रियल टाइम माइनस नाइन पॉइंट एट सेकेंड्स पर आवर ऑफ गि साइड रियल टाइम एल एस टी एट एल एल एम इज इक्वल टू जी एस टी एट जी एम एम ठीक है यहां का मतलब क्या होता है आपका बताओ तो लोकल साइड रियल टाइम होता है है ना तो ये चीज आपको और एल एल ए एल एम एम लोकल मीन है ना लोकल मीन टाइम सोलर टाइम जो है वो आपका हो गया तो ये प्लस माइनस होता है नाइन पॉइंट एट सेकेंड पर आवर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल यानी डब्ल्यू वेस्ट एंड ईस्ट एल एस टी एट एल एम टी इज इक्वल टू एल एस टी एट एल एम एम प्लस एस आई फ्रॉम एल एम एम एस आई यानी साइड रियल टाइम इंटरवल इज इक्वल टू एल एस टी एट एल एम टी माइनस एस एल एस टी एट एल एम एम एल एस टी एट एल एम एन इज इक्वल टू जी एस टी एट जी एन एम ये होता है प्लस माइनस नाइन पॉइंट एट सेकेंड पर आवर ऑफ लॉन्गिट्यूड डब्ल्यू बाई ई इक्वेशन ऑफ टाइम्स डिफरेंस बिटवीन एपरेंट सोलर टाइम एंड मीन सोलर टाइम एट एनी इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पे उसको जो इक्वेशन ऑफ टाइम कहते हैं एक ट्रॉपिकल ईयर इज इक्वल टू तीन सौ पैंसठ पॉइंट टू फोर मीन सोलर डे होता है और वन साइड रियल ईयर इज इक्वल टू तो तीन सौ छियासठ पॉइंट टू फोर साइड रियल डेज होता है इस्फेरिकल ट्रैंगल इफ़ इस ए बी सी आर साइड ऑफ इसफेरिकल ट्रैंगल देन ए इज एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ अस्फेयर बाई आर्क बी सी और ए इज़ एंगल बिटवीन टू ग्रेट सर्कल पासिंग फ्रॉम ए एंड ए बी एंड ए सी ठीक है जो प्रॉपर्टीज़ होता है स्फेरिकल ट्रैंगल का वो आपको ध्यान रखना है कि एनी एंगल इज़ लेस दैन पाई है ना जो भी एंगल होता है वो लेस दैन पाई होता है पाई जो है है ना पाई जो है लेस देन ए प्लस बी प्लस सी एंड ये जो है लेस देन होता है थ्री पाई से इफ सम ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू पाई अगर दो सम किए और दो इक्वल साइड पाई के बराबर रहेगा है ना मतलब जो सम ऑफ एनी टू साइड वो इक्वल होगा टू मतलब इक्वल टू पाई एंगल के देन जो सम होगा एंगल का वो अपोजिट देम इज आल्सो इक्वल टू पाई मतलब जैसे देखो पाई इज इक्वल टू ए प्लस बी तो उसी तरीके से पाई इज इक्वल टू बी प्लस सी भी हमारा होगा ठीक है मतलब दो अपोजिट के सम के बराबर होगा ठीक है जो सम ऑफ एनी टू साइड्स है जो सम ऑफ एनी टू साइड्स है ग्रेटर देन थर्ड साइड एरिया ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय वन एटी गुने ई e, यहाँ पे ई e जो है स्फेरिकल एक्सेस है जो कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक सौ अस्सी डी एक सौ अस्सी असमॉलर एंगल इज ऑलवेज अपोजिट टू अस्मॉलर साइड अस्मॉलर एंगल जो है हमेशा अपोजिट होगा असमॉलर साइड के सम ऑफ ऑल एंगल्स इन रेंज ऑफ वन एटी डिग्री टू फाइव फोर्टी डिग्री मैंने एक सौ अस्सी डिग्री से पाँच सौ चालीस डिग्री तक मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम अगला चैप्टर से मेज़रमेंट ऑफ एरिया है न ये मान लो कि एक एरिया हम लोग जो है इस तरीके से ड्रॉ किए अब इसका मेजरमेंट करना है और एक स्ट्रिप uh, के बीच का डिस्टेंस जो है डी है और यहाँ पे एच वन है ये एच टू है ये एच थ्री है एच फोर है और एच माइनस एन मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है तो एल इज़ इक्वल टू एन माइनस वन इन टू डी तो एच वन एच टू एच डॉट एच एन जो है ये ऑफसेट है एट मिड पॉइंट ऑफ एच डिविजन्स तो जो एवरेज कोऑर्डी जो एवरेज ऑर्डिनेट रूल्स होता है एरिया निकालने का वो होता है ओ वन प्लस ओ टू प्लस डॉट डॉट ओ एन प्लस वन बाई एन प्लस वन इन टू एन एन इंटू डी तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा एन डी एन इंटू डी समेसन ऑफ ओ आई बाई एन प्लस वन ट्रेपिजवाइडल रूल के अनुसार ए इज इक्वल टू डी इंटू ओ वन प्लस एन ओ एन बाई टू प्लस ओ टू प्लस ओ थ्री डो डो डॉट ओ एन माइनस वन यहाँ पे ओ वन और ओ एन जो है वो इंड कोऑर्डिनेट है ट्रेपिजवाइडल रूल जो है ये मोर एक्यूरेट होता है देन मिड ऑर्डिनेट रूल से और एवरेज कोऑर्डिनेट रूल से मिड ऑर्डिनेट रूल एरिया इज इक्वल टू एच वन प्लस एच टू प्लस डॉ डो डॉट एच एन इन का होल इंटू एल जो सिमसंस रू वंस थर्ड थर्ड रूल है ए इज इक्वल टू डी वाई थ्री इंटू ओ नो ओ जीरो प्लस ओ एन प्लस फोर इंटू ओ टू प्लस ओ फोर प्लस डॉट डॉट डोट ओ एन माइनस वन प्लस टू इंटू ओ वन प्लस ओ थ्री प्लस डॉट डो डॉट ओ एन माइनस टू यानी सम वाले के साथ चार से गुना और इवन वाले के साथ दो से गुना ओके okay. जो सैमसन थ्री पॉइंट फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू डी बाई थ्री एच वन प्लस फोर एच टू प्लस एच थ्री होता है ये जो आपका रूल्स है सैमसन uh, रूल्स ये मोर एक्यूरेट और प्रिसाइज रूल्स होता है जो कि बेस्ड होता है एजम्पन डेट फिगर्स आर ट्रेपायडल मतलब एज्यूम किया जाता है कि जो फिगर्स होता है वो ट्रेपिजाइडल हमारा है इट शुड बी क्लियर डेट दिस रूल इज अप्लीकेबल ओनली वेन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ एरिया इज इवन यानी नंबर ऑफ डिविजन्स अगर इवन है तभी ये वैलिड होगा शॉर्ट लेंथ ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन टू एड ऑर्डिनेट्स इज पैराबोलिक आर्च और इफ़ देअ आर इवेन नंबर ऑफ ऑबसेट्स देन एरिया अप टू सेकेंड लास्ट सेगमेंट इज कैलकुलेटेड बाई सिम्सन रूल्स एंड लास्ट सीगमेंट ट्रेपिजॉइडल रूल की यूज करके जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेवल सेक्शन यहाँ पे ये आपका बीर्थ है बी ये आपका स्लोप है एस इज टू वन और ये एच है तो फ्रॉम एवब डायग्राम एरिया इज इक्वल टू बी प्लस एस इंटू एच का होल इंटू एच टू लेवल सेक्शन दो लेवल सेक्शन है एक लो लेवल है और एक हाई लेवल है इसका स्लो स्लोप दिया गया है एस इज टू वन और यहाँ पे जो है एच वन और यहाँ पे हाइट जो है एच टू है यहाँ पे ये जो स्लोप है एन इज टू वन है तो एव डायग्राम में जो एरिया निकालेंगे एस इंटू बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू बी एच प्लस एस एच का स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर साइड हिल टू लेवल सेक्शन ये जो है साइड हिल है एक लो लेवल है मतलब डिप्रेस्ड है और एक जो है आपका एम्बैकमेंट वाला है एम्बैकमेंट का हाइट दिया गया है इसका स्लोप दिया गया है एन इज टू वन और ए स्लोप दिया गया एस एस टू वन है ना ये हाइट जो है एच वन आपका दिया गया है यहाँ से ये जो पॉइंट ऑफ जहाँ से एक मतलब इम्बैकमेंट स्टार्ट है वो जो है डब्लू है और उससे इधर का मतलब लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस है वो डब्लू वन है तो यहाँ पे ये बी बाई टू हो गया यहाँ से यहाँ तक और ये जो है ये पूरा आपका जो है डी हो जाएगा ये यहाँ तक ठीक है और यहाँ से ये डी वन आपका हो जाएगा जो इम्बैकमेंट एरिया होता है वो उसका फार्मूला आता है बी बाई टू माइनस एन इंटू एच का होल स्क्वायर बाई टू इन टू एन माइनस एस एक्सकावेसन एरिया बी बाई टू इंटू बी बाई टू प्लस एन इंटू एच का होल स्क्वायर बाई टू इंटू एन माइनस एस तो एक्सकावेसन एरिया और इम्बैकमेंट एरिया मतलब कितना एक्सकैट uh, करके निकाले हैं मटेरियल और कितना फिल किए हैं वो एरिया जो है यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं थ्री लेवल सेक्शन तीन लेवल सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक ये है ना ये ये और एक ये तो इस तरीके का जो सेक्शंस होगा ये आपका जो है वेर्थ है बी है ना यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है डी और इधर जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी वन है इसका जो है एन वन स्लोप है इसका एन इस टू वन स्लोप है है ना ये सी पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट और ये डी पॉइंट तो इस कंडीशन में एरिया का फॉर्मूला होता है 4 H1 H2, uh, b बाई फोर इन टू एच वन प्लस एच टू प्लस बी बाई एच बाई टू है ना एच बाई टू इन टू डी प्लस डी वन ये जो है आपका सही मतलब एरिया निकालेंगे वॉल्यूम मेजरमेंट प्रिजमोइडल फार्मूला सिमसन्स रूल्स यूज करेंगे वैलिड होता है फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑपसेट के लिए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एल बाई थ्री इंटू ए वन प्लस ए एन प्लस फोर इंटू ए टू प्लस ए फोर प्लस डॉट डो डॉट ए एन माइनस वन प्लस टू इन टू ए थ्री प्लस ए फाइव प्लस डॉट डो डॉट एन ए एन माइनस टू ट्रेपेजाइडल फॉर्मूला ये एवरेज इंड मेथड एरिया मेथड होता है वी इज इक्वल टू ए वन प्लस ए एन बाई टू प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट डॉ डॉट ए एन माइनस वन का होल इन टू एल ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन आर इन कन्जिक्यूटिव एरिया और एल जो है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन देम इन दिस केस इफ ओनली प्रिज रूल्स इज टू बी अप्लाइड देन द एरिया हाफ वे बिटवीन द सेक्शन इज इंटरपोलेटेड बाई एवरेजिंग द डाइमेंसन ऑफ इंड सेक्सन एंड सेक्शन के डायमेंसन uh, को एवरेज करके इंटरपोलेट करके जो है हम लोग निकालेंगे एंड नोट बाई एवरेजिंग द इंड एरिया इंड एरिया को जो है सिर्फ हम लोग एवरेज नहीं करेंगे इंड डायमेंसन को uh, जो है एवरेज करके इंटरपोलेट करके जो है हम लोग निकालेंगे सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्वे सर्वे में सब कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ किए जाते हैं पहला एज कंपेयर टू इंजीनियर लेवल एवनी लेवल इज प्रिस एवनी लेवल जो है ये इम्प्रूव करता है इम्प्रूव टाइप्स ऑफ क्लिनोमीटर्स होता है इससे जो है हम लोग यूज करते हैं सर्वे में है न और एंड इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट बाई मीन्स ऑफ लेसर जियो डायमीटर इडोग्राफ जो है ये मैकेनिकल प्लॉटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है रीड्रॉ मैप एट अ स्मॉलर और लार्ज स्केल जो इडोग्राफ होता है हैज़ अ सेम फंक्शन ऑफ पेंटोग्राफ पेंटोग्राफ का जो फंक्शन होता है उसी के मतलब उसी के जैसा इसका भी फंक्शन होता है ऑब्जर्वेशन कैन बी टेकन इन नाइट बाई इंस्ट्रूमेंट कॉल टेलोरोटर है ना नाइट में भी जो ऑब्जर्वेशन ले पाते हैं तो उसको टेलोरोटर कहते हैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स यूजेज दिया गया है हैंड लेवल इसका यूज किया जाता है ट्रैस कंट्रोल करने के लिए एवन्यू लेवल टू मेजर स्लोप टेक क्रॉस सेक्शन एंड फाइन ग्रेडियंट बॉक्स सेक्टेंट टू मेजर हॉरिजोनटल एंड वर्टिकल एंगल इन चेन सर्वे एंड प्लेन टेबल सर्वे इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर इसका यूज किया जाता है डिटरमाइन एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पेंटाग्राफ ये यूज़ किया जाता है टू रिड्यूज और इन द मैप ऑप्टिकल स्क्वायर या क्रॉस स्टाफ यूज़ किया जाता है सेट आउट नाइन्टी डिग्री एंगल प्लानी मीटर ये यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एरिया वेरी एक्यूरेटली और क्ले clay, क्लेन घाट ट्रेसर ये यूज किया जाता है टू मेजर स्लोप एंड सेट आउट ग्रेडियंट क्लिनोमीटर ये यूज किया जाता है एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और आपका येडोग्राफ जो है ये इम्प्रूव करता है वर्जन ऑफ पेंटाग्राफ का टोटल स्टेशन यूज्ड फॉर इस्टेब्लिशिंग हॉरिजॉन्टल कंट्रोल इस्टेब्लिशिंग वर्टिकल कंट्रोल और रिमोट ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ डिटर्मिनेशन इन टोटल स्टेशन टोटल स्टेशन में जो एंगल और जो डिस्टेंस होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है इन डिजिटल फॉर्म इट इज़ ऑल फैसिलिटीज ऑफ टैचियोमीटर ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली इट इज ऑपरेटेड थ्रू द कंट्रोल पैनल ये कंट्रोल पैनल के थ्रू क्या किया जाता है ऑपरेट किया जाता है अस्मॉल स्टेशन इज यूज टू इंडिकेट टोटल स्टेशन एक, एक स्मार्ट स्टेशन होता है है ना उस वो यूज़ किया जाता है टू इंडिकेट टोटल स्टेशन विद इंटीग्रेटेड जीपीएस मॉड्यूल लेवलिंग इस्टाफ आर टू टाइप्स दो तरीके का होता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ इट कैन बी रीड डायरेक्टली बाय द लेवल मैन थ्रू द टेलीस्कोप स्मॉलेस्ट सब डिविजन्स होते हैं जो कि पॉइंट जीरो जीरो फाइव मीटर होता है दे आर ऑल्सो थ्री टाइप्स ये तीन तरीके का होता है सॉलिड स्टाफ टेलीस्कोप स्टाफ और फोल्डेड स्टाफ जो कि यूज़ किया जाता है इन आवर कंट्री टारगेट स्टाफ इन दिस स्टाफ लेवल मैन डायरेक्ट द स्टाफ मैन टू मूव द टारगेट अप एंड डाउन अनटिल इट बाई सेक्ट बाई लाइन ऑफ साइट मिनिमम सब डिवीजन इज पॉइंट जीरो जीरो पचहत्तर सॉरी थिकनेस जो है अठारह एमएम और व्यर्थ जो है पचहत्तर एमएम आपका होता है अगला जो चैप्टर्स है वो है फोटोग्रामेट्री तो फोटोग्रामेट्री जो है ये साइंस है जिसके जिसमें ऑप्टेन किया जाता है इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट थ्रू प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग मेजरिंग एंड इंटरसेप्टिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द एरिया टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी मेट्री इन टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री फोटोग्राफ्स आर टेकन फ्रॉम फिक्स्ड पोजीशन ऑन और नियर द ग्राउंड एरियल फोटोग्रामेट्री फोटोग्राफ्स जो है वो कैमरा के थ्रू लिया जाता है माउंटेड ऑन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर द एरिया या ड्रोन के थ्रू विल जो है लेते हैं नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन्वॉल्व इन द ऑर्बिट फ्रॉम द जीपीएस सर्वे टेक्निक ट्वेंटी फोर नंबर ऑफ़ सैटेलाइट टू लोकेट लैटिट्यूड लॉन्गट्यूड एंड एल्टीट्यूड फोर एंड नंबर ऑफ सैटेलाइट यूज्ड टू लोकेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गी थ्री कंपेरेटर्स आर यूज टू एक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑन फोटोग्राफ स्टेरियो कंपेन कम्पेरेटर जो है ये यूज किया जाता है मेजरमेंट ऑन ओवरलैपिंग स्टेरियो पेयर ऑफ फोटोग्राफ्स मोनो कंपेरेटर जो है यूज किया जाता है फॉर मेज़रमेंट ऑन वन फोटोग्राफ एट ए टाइम टाइप्स ऑफ फ़ोटोग्राफ्स वर्टिकल फ़ोटोग्राफ्स और ऑब्लिक्यू फ़ोटोग्राफ्स इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस कैमरा एक्सेस कैमरा एक्सिस लाइन लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कैमरा लेंस कैम सेंटर ऑफ कैमरा लेंस से जो लाइन पास करता है परपेंडिकुलर बोथ टू कैमरा प्लेट जो कि नेगेटिव एंड पिक्चर प्लेन जो कि फ़ोटोग्राफ आपका होता है तो उसको जो है कैमरा एक्सेस कहते हैं उसको क्या कहते हैं कैमरा एक्सिस जो है कहते हैं तो यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हैं ये आपका जो है कैमरा प्लेट यानी निगेटिव प्ले निगेटिव है ये पिक्चर प्लेन यानी ये पॉजिटिव है और ये कैमरा का एक्सिस है कि भाई ये कैमरा का एक्सिस है और ये प्रिंसिपल लाइन है ठीक है प्रिंसिपल लाइन आपका मतलब ये बताता है कि क्या एक मेन लाइन होना चाहिए देखो प्रिंसिपल लाइन और प्रिंसिपल प्लेन जिस प्लेन के प्लेन कंटेंट करता है प्रिंसिपल लाइन और ऑप्टिकल एक्सिस को उसको प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं ठीक है तो मान लो कि ये कैमरा से फ़ोटो खींचे और फोटो जो है इतनी को बना तो वो जो फ़ोटो बना वही जो है हमारा उसी से जो है इंटरपोलेट करके करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि के या के डैश पॉइंट ऑन इंटरसेक्शन ऑफ कैमरा एक्सिस विद आइदर पिक्चर प्लेन और कैमरा प्लेट उसको जो है प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं है ना ये के हो गया और ये के डैश हो गया इसको प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं पिक्चर प्लेन पिक्चर प्लेन जो है ये पॉजिटिव uh, प्लेन होता है परपेंडिकुलर टू कैमरा एक्सिस फोकल लेंथ एफ इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कैमरा लेंस टू आईदर पिक्चर प्लेन और कैमरा प्लेट इट सेटिस्फाई द रिलेशन वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई यू इंटू भी एंड एफ इज इक्वल टू यू इंटू वी बाई यू प्लस भी प्रिंसिपल प्लेन व प्लेन जो प्रिंसिपल लाइन को और ऑप्टिकल एक्सिस को कंटेंट करता है ऑब्लिक की फोटोग्राफ फोटोग्राफ टेक फ्रॉम एयर विद एक्सिस ऑफ कैमरा टिल्टेड फ्रॉम वर्टिकल एरिया उसको जो है ओब्लिक्यू फोटोग्राफ कहते हैं ये दो तरीके का होता है हाई ओब्लिक्यू फोटोग्राफ इफ टिल्ट इज मोर है ना टिल्ट जो है ज़्यादा है इन सर्च अवे डेट हॉरिजोन इज सोन ऑन फोटोग्राफ और लो ओबलिक्यू ओब्लिक्यू जो है कम है यानी ओब्लिक्यू फोटोग्राफ डाइज नोट सो हॉरीजोन नोडल पॉइंट इट इज आइदर ऑफ टू points on optical axis on of a lens so located that when two object distance are measured from one point and all image distances are measured from other this satisfy the simple lens relation 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v convergent photograph लो ऑब्लिक्यू फोटोग्राफ्स लो ऑब्लिक्यू फोटोग्राफ्स विच आर टेकन विद टू कैमराज एक्सपोज सिमुलटेनियसली एट सक्सेसिव एक्सपोजर अस्टेश विद देयर एक्सेस टिल एट अ फिस्ड इनक्नेशन फ्रॉम वर्टिकल इन सच अ वे दैट फॉरवर्ड एक्सपोजर ऑफ फर्स्ट स्टेशन फ्रॉम अ स्टीरियो पेयर विद बैकवर्ड एक्सपोजर ऑफ नेक्स्ट स्टेशन दिस फोटोग्राफ इज कॉल्ड कन्वर्जेंट फोटोग्राफ इस तरीके का जो फोटोग्राफ्स होता है वो कन्वर्जेंट कहलाता है मैप इज़ ए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मैप जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है बट एरियल जो फोटोग्राफ होता है वो सेंट्रल प्रोजेक्शन होता है एरियल फोटोग्राफ होता है, होता है. Aerial photograph जो होता है वो सेंट्रल प्रोजेक्शन आपका होता है स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ और डाटम स्केल यहाँ पे ये फिगर आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है ये आपका जो है एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है ये हाइट है है ना ये ए एच ए है और ये के बी है है ना ये एच बी हो गया ये डाटम है एस इज इक्वल टू एफ बाई एच है ना एफ बाई एच फ्लैट ट्रेन के लिए उसी तरीके से एस इज इक्वाल टू फ्लैट ट्रेन के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो फ्लैट ट्रेन के लिए ये फ्लैट ट्रेन है तो एस इज इक्वाल टू एफ बाई एच माइनस स्मॉल एच इज इक्वाल टू ए बी बाई कैपिटल ए भी ना स्मॉल ए बी बाई कैपिटल ए बी और अगर एवरेज स्केल है मतलब इस तरीके से उबर खावर है ग्राउंड तो डाटा में एक फिक्सड लेंगे तो उस कंडीशन में एस का जो फॉर्मूला होता है एफ बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच एवरेज ठीक है यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू इस्मॉल एक्स ए इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच ए बाई एफ और वाई ए इज इक्वल टू वाई स्मॉल ए इंटू कैपिटल एच माइनस एच बी बाई एफ ये आपका होता बात किया जाए कोऑर्डिनेट ग्राउंड कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की तो एक्स एन वाई ए जो है ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स है एफ जो है फोकल लेंथ ऑफ लेंस है स्मॉल एक्स एन वाई ए जो है फोटोग्राफ कोऑर्डिनेट्स है स्मॉल एच ए जो है एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए है एव ऑफ और कैपिटल एच जो है फ्लाइंग हाइट है मैप एंड एरियल फोटोग्राफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होता है मैप uh, सेलेक्टेड डिटेल्स होते हैं मोर क्लैरिटी ड्यू टू यूज ऑफ सिम्बॉल्स एंड कॉन्स्टेंट स्केल्स होते हैं फोटोग्र एरियल फोटोग्राफ जो है परस्पेक्टिव प्रोजेक्शंस होता है वास्ट डिटेल्स दिया जाता है लेस क्लैरिटी होता है ड्यू टू नो यूज ऑफ सिम्बॉल्स और स्केल वेरी ड्यू टू वेरिंग एलिवेशन एलिवेशन के वेरी करने से इसका जो स्केल्स होता है वो भी आपका वेरी करता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑन वर्टिकल ग्राफ वेन ग्राउंड इज नॉट हॉरिजोंटल अगर ग्राउंड हॉरिजोंटल नहीं है तो स्केल ऑफ फोटोग्राफ वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग पॉइंट पे वेरी करेगा ग्राउंड रिलीफ इज सोन इज परस्पेक्टिव ऑन द फोटोग्राफ देयर टू पॉइंट्स ऑन फोटोग्राफ इज़ डिसप्लेसड फ्रॉम द ऑर्थोग्राफिक पोजिशन दिस डिसप्लेसमेंट इज़ कॉल्ड रिलीफ डिस्प्लेसमेंट तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है वो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो है आपका होता है तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे अगर फार्मूला अगर बात किया जाए तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू आर इन टू एच बाई कैपिटल एच डी जो है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी कैपिटल एच जो है फ्लाइंग हाइट एव ऑफ द डाइटम है ना और h, जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एवम डाटम ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और आर जो है रेडियल डिस्टेंस है of 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 है ऑफ ऑफ ऑफ़ इमेज टॉप ऑब्जेक्ट ठीक ये ओवरलैप इन फोटोग्राफ्स ओवरलैप पचपन से पैंसठ प्रतिशत लैटरल ओवरलैप पंद्रह से पैंतीस प्रतिशत फॉर मैक्सिमम रिक्टेंगुलर एरिया टू बी

Calculation of flying height of vertical photograph when photo coordinates are x a, a and y a and x v and y v and focal length f elevation of point above ground is H A and H B respectively, then distance between points of photograph will be A B is equal to square root x b by f into h minus h b. माइनस एक्स ए बाई एफ इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बी बाई एफ इंटू एच माइनस एच स्मॉल एच बी प्लस माइनस वाई ए बाई एफ इंटू कैपिटल एच माइनस एच नोट इंटू का होल स्क्वायर ये आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा वेन लोकल जो फोकल लेंथ होता है है ना वेन फोकल लेंथ इज एफ स्केल ऑफ फोटोग्राफ्स इज एस देन एच डैश इज इक्वल टू एफ बाई एस यहाँ पे एच डैश जो है फ्लाइंग हाइट एव ग्राउंड आपका होता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फोटोग्राफ ग्राउंड एरिया ए एरिया कवर्ड बाई वन फोटोग्राफ स्मॉल ए साइड लैप पी एफ लॉन्गट्यूडनल ओवर लैप और इंड लैप पी एल लेंथ ऑफ फोटोग्राफ इन डायरेक्शन ऑफ लाइट एल एंड ऑफ फोटोग्राफ एस वीर्थ ऑफ फोटोग्राफ नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ लाइट डब्लू ओके तो कैपिटल एन इज इक्वल टू एल वन बाई वन माइनस पी एल इंटू एल बाई एस प्लस वन इन का होल इन टू डब्लू वन बाई वन माइनस पी डब्लू इंटू डब्लू बाई एस प्लस वन ये फार्मूला होता है यहाँ पे एल वन जो है लेंथ ऑफ ग्राउंड टू बी कवर्ड और डब्ल्यू वन जो है वेथ ऑफ ग्राउंड टू बी कवर्ड और इन दूसरा फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर बाई वन माइनस पी एल इंटू वन माइनस पी एस इंटू डब्ल्यू एल ओके क्रैब एंड ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट इज लैटरल शिफ्ट ऑफ फोटोग्राफ इट इज जनरली ड्यू टू विंड द क्रैब इज जनरली इंट्रोड्यूस टू अवॉयड ड्रिफ्ट क्रैब ऑफ फोटोग्राफ इज एंगल फॉर्म्ड बिटवीन फ्लाइट लाइन एंड इज इज ऑफ फोटोग्राफ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट मैप प्रोजेक्शंस कन्फॉर्मल प्रोजेक्शन इक्वल एरिया प्रोजेक्शन एंड इक्वी डिस्टेंट प्रोजेक्शन एजमुथल प्रोजेक्शंस आपका होता है तो कन्फॉर्मल प्रोजेक्शंस एंगल बिटवीन एनी टू पेयर ऑफ शॉर्ट लाइन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड equal area projection area represented correctly while shape may not be same equidistance projection in at distance are represented correctly from one central point okay in uh, tilted photograph these angles completely define the angular uh, orientation of that photograph these are tilt t swing s and azimuth a अगला एंड लास्ट चैप्टर से आपका यहाँ पे थ्योरी ऑफ एरर ठीक है तो ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज यानी एंगल्स एंड डिस्टेंस इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन सम टाइप ऑफ एरर ऑलवेज अकर इन एवरी मेजरमेंट कोई भी मेजरमेंट पूरा का पूरा सही नहीं हो सकता है कुछ ना कुछ उसमें त्रुटियाँ जो है आपका रहेगा ही रहेगा तो कई सारे टाइप्स ऑफ एरर होते हैं ग्रॉस एरर जो कि मिस्टेक्स आपका होता है ये आकर होता है ड्यू टू इन एक्सपीरियंस और केयरलेसनेस ऑफ सर्वेयर सिस्टेमेटिक यानी क्यूमुलेटिव एरर ये जो है आपका होता है कैल दीज आर कैलकुलेटेड एंड करेक्टेड ईजली दीज आर द सेम मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ सेम कंडीशंस एक्सीडेंटल यानी रैंडम एरर आल्सो कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर दीज अर्स ड्यू टू लैक ऑफ परफेक्शंस ऑफ ह्यूमन आई ह्यूमन आई का जो परफेक्शंस है वो नहीं है है ना कुछ ना कुछ कमी रह जाती है उसके कारण से दीज ओवे द लॉ ऑफ चेंज है ना ये लॉ ऑफ चेंज को जो है फॉलो करता है इन दिस चैप्टर्स हम लोग जो है मिस्टेक्स और सिस्टेमेटिक एरर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे और कैसे एलिमिनेट करते हैं एक्सीडेंटल एरर को आर लेफ्ट टू एलिमिनेट उसके बारे में बात करेंगे तो लॉ ऑफ एक्सीडेंटल एरर तो इट फॉलोज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जिसको जो है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू और रेसिड्यूल इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपका होता है तो यहाँ पे आप ये मान लो कि एक एरिया है ठीक है ये सिग्मा प्लस में है और यहाँ पे सिग्मा माइनस में है और ये एरिया निकालना है तो एरिया जो है सिक्सटी एट पॉइंट थ्री प्रतिशत आया तो वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन बाई स्क्वायर रूट टू बाई सिगमा इंटू ई के पावर माइनस पॉइंट फाइव इन टू वी बाई सिग्मा का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे वी जो है आपका रेसी है और वाई जो है आपका फ्रीक्वेंसी है वाई जो है फ्रीक्वेंसी है ऑफ आक्रेंस ऑफ रेसिड्यूअल और वेरिएशन आपका होता है अस्मॉलर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर इज प्रीसीजन स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है रूट मीन स्क्वायर एरर ऑफ मेजरमेंट भी कहा जाता है इंडेक्सेज ऑफ प्रिस फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ इक्वल वेट A standard deviation sigma for assessing the precisions offset of set of observations sigma is equal to plus minus a square root summation of V square by n minus 1. A standard error of mean sigma m sigma m is equal to plus minus sigma by a square root n. Variance sigma square it is used to measure dispersions or a spread. सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू यानी वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ़ वी स्क्वायर बाय एन माइनस वन स्टैंडर्ड एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन सिग्मा वन सिग्मा वन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाय एन माइनस वन मोस्ट प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू प्लस माइनस पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव सिगमा इज इक्वल टू प्लस माइनस पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव इन स्क्वायर रूट समेसन ऑफ़ वी स्क्वायर बाई एन माइनस वन मैक्सिमम एरर इफ एनी मेजरमेंट इफ एनी मेजरमेंट डेविएट्स फ्रॉम मीन बाई मोर देन प्लस माइनस थ्री पॉइंट टू नाइन सिकमा देन मेजरमेंट इज कंसिडर एज मिस्टेक इट कैन बी रिजेक्टेड और उसको फिर जो है रिजेक्ट कर देते हैं डिफरेंशियल परसेंटेज एरर नाइन्टी प्रतिशत एरर ई नाइन्टी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव सिगमा नाइन्टी फाइव प्रतिशत एरर ई नाइन्टी फाइव प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स सिगमा और नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन परसेंट एरर यानी ई नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री सिगमा डिफिनेशंस ऑफ वेट इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इज नंबर इसको जो है नंबर में एक्सप्रेस करते हैं इट इज़ द मेजर ऑफ रिलेटिव थ्रस्ट वर्दिनेस ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द लार्जर द प्रिजन्स ऑब्जर्वेशन लार्जर विल इट्स वेट मैं जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन का प्रिसीज़न रहेगा उतना ही ज्यादा वेट जो है हमारा होगा रूल्स ऑफ वेट एलोकेशंस वेट्स आर टेकन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरिएंस और दूसरा वेट आर समटाइम्स एलोकेटेड बाई पर्सनल जजमेंट जो कि डिपेंड करता है फील्ड प्रीवेलिंग एंड एनवायरमेंटल कंडीशन पे लोअर वेट्स एलोकेटेड टू ऑब्जर्वेशंस इज डिफिकल्ट ट्रेन तीसरा वेट ऑफ क्वांटिटीज मेजर्ड इन सिमिलर कंडीशन आर असाइंड इन डायरेक्टन प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ टाइम्स इन द क्वांटिटी इज मेजर्ड Weight of level line, weight of level line is taken as inversely proportional to weight length L of the root, hence W1 by W2 is equal to L2 by L1. Law of weight if number of observation A B C dot, dot dot of particular quantity having unit weight 1, then वैल्यू ऑफ क्वान्टिटी विल बी अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन दूसरा वेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एज डब्लू वन एंड वेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बी इज डब्लू टू तो वेट ऑफ ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू वन बाई वन बाई वन बाई वन बाई डब्लू वन प्लस इज इक्वल टू डब्लू वन इंटू डब्लू टू बाई डब्लू वन प्लस डब्लू टू तीसरा वेट ऑफ ऑब्जरवेशन एज डब्लू वन देन इफ ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर के देन वेट के ए इज इक्वल टू डब्ल्यू वन बाई के स्क्वायर चौथा वेट ऑफ वेटेड एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल वेट डब्लू प्लस डब्ल्यू थ्री प्लस डब्लू मैंने डब्लू वन प्लस डब्ल्यू टू डब्लू थ्री डॉट डॉ डॉट इफ इक्वेशन ऑफ मल्टीप्लाइड बाई द ऑन वेट देन वेट ऑफ रिजल्टिंग इक्वेशन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेट ऑफ डेट इक्वेशन छठा पॉइंट वेट ऑफ इक्वेशन रिमेंस अनचेंज मैंने चेंज नहीं होगा इफ इक्वेशन इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट से उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तब वेट ऑफ एन इक्वेशन रिमेंस अनचेंज इफ ऑल साइंस ऑफ इक्वेश आर चेंज अगर जितने भी साइन ऑफ इक्वेशन है वो सारा चेंज कर देंगे इंडस्टिस ऑफ प्रिस फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट वेट पाला स्टैंडर्ड वेटेड ऑब्जर्वेशन सिगमा डब्लू सिगमा डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट समेसन ऑफ डब्लू वी स्क्वायर बाई एन माइनस वन स्टैंडर्ड एर ऑफ मीन ऑफ वेटेड ऑब्जर्वेशन सिगमा एम सिगमा एम इन टू एम डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस सिगमा डब्ल्यू बाई स्क्वायर रोट समेसन ऑफ डब्लू most probable error of mean emw, emw is equal to plus minus uh, 0.6745 sigma mw theory of uh, least square most probable value is the value which uh, make the sum of squares of the residual of the minimum value if observation have equal weight summation of uh, वी स्क्वायर मतलब सिग्मा वी स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम इफ़ मेजरमेंट ऑफ अन एकवल वेट सिग्मा डब्ल्यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम एंड मेथड ऑफ लिस्ट काउंट स्क्वायर एडजस्टमेंट आर मेथड ऑफ को रिलेट्स और कंडीशन इक्वेशंस मेथड दूसरा नॉर्मल इक्वेशन मेथड ये आपके होता है उम्मीद करते हैं कि आज का जो सर्वेइंग का जो चैप्टर्स था ये पूरा आपका समाप्त होता है और ये चीज़ें आपको जो है हेल्पफुल रहा हो अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएँ थैंक यू